सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सबको गुरु नानक जयंती की और गुरु पर्व की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आज चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है, उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, रेसिपी के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है, ये 1 लीटर फुल फैट दूध है, इसमें मलाई वाला दूध लिया है मैंने। 1 बॉल चावल लिया है, जितने चावल है उतनी मैंने चीनी दी है। ये मैंने नारियल का बुरादा, किशमिश, काजू और बादाम, इलायची और ये केसर ली है। तो ये चावल है, इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया है। भिगो के इनका पानी निकाल के इनको इस तरह से सूखने के लिए रख दिया है, ये देखिए। तो सबसे पहले अभी हम पैन में दूध गर्म करेंगे। दूध आधा रह जाएगा तब तक हम इसे चलाएंगे गाढ़ा होने तक। ये दूध हमारा ऑलमोस्ट आधा रह चुका है। अब ये जो राइस मैंने भिगोए थे उनको मैंने सुखा लिया है 1 घंटे के लिए। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इनको मैं दूध में ऐड कर दूंगी। इनको ऐड करने से पहले मैं इलायची डालूंगी दूध में। ये छिलके निकाल लिए हैं और ये दाने डाल रही हूँ। थोड़ी सी केसर ऐड करूंगी, केसर अगर आपके पास है तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी मैं इसमें ये राइस ऐड करूंगी। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए एक बार और हम चलने देंगे। अगर आपको दूध में थोड़ा सा ऐसे लगे कि दूध कम है तो थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट और पकाएंगे अभी चावल पकने तक। ये देखिए खीर हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं इससे जुड़ी हुई एक ब्यूटी टिप आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही यूजफुल है। और ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। बादाम ऐड कर रही हूँ, नारियल का बुरादा, ये काजू हैं और ये किशमिश जिसको मैंने पहले गर्म पानी में भिगो लिया था। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये हमारा प्रसाद है ये देखिए। 5 मिनट और चलने देंगे फिर इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं आपको इस रेसिपी का नाम बता रही हूँ, ये गोविंदो भोग खीर है जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए जो प्रसाद है वो इस तरह से बनता है। तो ये गोविंदो भोग खीर आज की रेसिपी है ये हमारी। तो राइस से जुड़ी हुई एक जो ब्यूटी टिप है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो राइस है वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं फेस के लिए, स्किन के लिए। तो आप चाहे कोई भी खीर वाले राइस हो या जो हम नमकीन राइस बनाते हैं बासमती टाइप, तो वो हो, आप उनको मिक्सी में पीस लीजिए और दूध में भिगाकर आप उसे कम से कम 2 घंटे छोड़ दीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो इससे आपके फेस पे जो फाइन लाइंस है यानी कि जो एजिंग दिखने लग जाती है, जो रिंकल्स, जो लाइन हमारे फेस पे आ जाती है, वो कुछ महीने यूज़ करने से वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो चलिए खीर हमारी सर्व करते हैं। ये देखिए गोविंदो भोग खीर को हांडी में ही सर्व किया जाता है। और इसे अब गार्निश करूंगी ये थोड़े से आलमंड से, ये नारियल का बुरादा और ये काजू और 1-2 डंडियां मैं इसमें केसर की भी यहाँ डाल रही हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको मेरी रेसिपीज ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी रेसिपीज को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।